हे एवरीवन, तो आज जो हम जो जजमेंट करने जा रहे हैं वो सेक्शन 149 जो इंडियन पिनल कोड है आपका, उसके अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस जजमेंट की रेलेवेंस आज तक है। और इसके अंदर हम और भी आपके कुछ जजमेंट्स को लिंक करके बताएंगे। तो आज हम जजमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है मोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपकी 1963 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट कही जाती है आपकी अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन 149 के कॉन्सेप्ट पे, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट पे और अनलॉफुल असेंबली के प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग बात करता है। तो पहले जरा हम इस जजमेंट की कुछ छोटी मोटी कहानियां जान लेते हैं कि जजमेंट में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो देखिए, इस जजमेंट के अंदर दो अपेलेंट थे, मोहन सिंह और जागीर सिंह, ठीक है। मोहन सिंह चाचा थे और जागीर सिंह भतीजा थे। मोहन सिंह का अपना एक सगा भाई हुआ करता था दलीप सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह और जागीर सिंह चाचा भतीजा, इन दोनों ने एक SLP फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनकी SLP ग्रांट हुई। तो उसके अंदर हुआ क्या कि इनके ऊपर एक चार्ज चल रहा था 302 का मर्डर का, 149 कॉमन असेंबली वाला, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली वाला, जो कॉमन ऑब्जेक्ट जो प्रोसिक्यूशन है सेक्शन 149 बहुत फेमस है, 148 का चार्ज चल रहा था इन पे और सेक्शन 323 का चार्ज भी इनके ऊपर चल रहा था। तो आप बात आती है कि कहानी में हुआ क्या। तो देखिए, मोहन सिंह और जागीर सिंह के ऊपर तो चार्ज था, इसके अलावा भी तीन और लोग थे इसके अंदर, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली के अंदर अगर आपको पता होगा कि मिनिमम पाँच लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, पाँच या पाँच से ज़्यादा होते हैं तभी, और उसके बाद वो अगर किसी पर्पज़ के लिए मिलते हैं तो सेक्शन 141 में वो पर्पसेज डिफाइन होते हैं कि किन किन पर्पसेज में वो चीज़ अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। पाँच किस्म के पर्पसेज डिफाइंड है वहाँ पे सेक्शन 141 में। तो पाँच लोगों का होना एक प्री रिक्विजिट, एक एसेंशियल आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे पांच लोग कौन कौन से, सबसे पहले मोहन सिंह, फिर जागीर सिंह, फिर दलीप सिंह, फिर दो लोग, दो प्यारा सिंह थे, प्यारा सिंह मतलब दो अलग अलग भाई थे उनके लड़के थे, तो पांच लोग टोटल हो गए। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर प्यारा सिंह के लड़कों को तो छोड़ दिया गया, ठीक है, उनको एक्विट कर दिया गया क्योंकि एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन था वो एविडेंस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्यारा सिंह के लड़कों को तो छोड़ दिया गया। अब बचे तीन लोग, तो सबसे पहला मोहन सिंह, दूसरा है जागीर सिंह, और जागीर सिंह का जो पापा है दलीप सिंह, मतलब मोहन सिंह और दलीप सिंह सगे भाई हैं, तो मोहन सिंह का जो भतीजा हुआ जागीर सिंह है, क्योंकि जागीर सिंह आपका दलीप सिंह का लड़का है, ठीक है। तो ये तीन फंसे। अब दलीप सिंह पे चार्ज बना था 302 और 147, तो इसको भी इसके अंदर कन्विक्ट कर लिया गया था। दलीप सिंह ने जो SLP डाली थी उसकी SLP को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, मगर दो लोगों के SLP को ग्रांट मिला था जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने SLP फाइल करी, वो थे मोहन सिंह और जागीर सिंह। तो अब बात आती है कि मोहन सिंह का कहना था कि जब आपने दो लोगों को छोड़ दिया, दो प्यारा सिंह्स को छोड़ दिया, तो संख्या जो हुई वो हो गई तीन, तो आप हम पे 149 का चार्ज कैसे बना रहे हैं। सेक्शन 149 का जो चार्ज होता है वो अनलॉफुल असेंबली से रिगार्डिंग है, और अनलॉफुल असेंबली का जैसा मैंने आपको मतलब बताया कि पाँच या पाँच से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, वो किसी प्रकार का कोई एक्शन जो एक्ट कर रहे हैं, जो भी क्रिमिनल एक्शन वो परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए पाँच लोगों का होना एक प्री रिक्विजिट है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आई कि इन्होंने जो अपना यहाँ से इनका आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि मोहन सिंह ने बोला कि देखिए, आप हम पांच लोग थे और पांच में से दो लोगों को तो आपने एक्विट कर दिया, इसका मतलब वो उस ऑफेंस में मौजूद ही नहीं थे। जब वो ऑफेंस में ही मौजूद नहीं थे तो पाँच लोगों से कम होते ही वो अनलॉफुल असेंबली तो बनना ही नहीं चाहिए। अब कहानी कुछ जो इसके फैक्ट हैं, फैक्ट आप ज़रा समझ लीजिए। देखिए, मोहन सिंह और दलीप सिंह दो सगे भाई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और दलीप सिंह का बेटा है जागीर सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह और दलीप सिंह का एक ना तीसरा भाई भी हुआ करता था, ठीक है। मोहन सिंह और दलीप सिंह का जो तीसरा भाई था, ये लोग एक गांव में रहते थे, मलसियान नाम के गांव में ये सारे भाई लोग रहते थे। तो इनका जो तीसरा भाई था तारा सिंह, तो तारा सिंह की शादी हुई थी एक तेज कौर नाम की लड़की से, और तेज कौर गुरदीप सिंह की डॉटर थी, ठीक है, ध्यान रखना। गुरदीप सिंह का यहाँ पर मर्डर होता है, और गुरदीप सिंह के एक कज़न हैं उनका, उनके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, जिनको इंजरीज आई थी, हालांकि उनकी मौत नहीं हुई इस केस में, उनका नाम था हरनाम सिंह। तो कहानी के जो पात्र हैं वो कुछ इस तरीके से, मोहन सिंह का सगा भाई दलीप सिंह और मोहन सिंह का भतीजा मतलब दलीप सिंह का लड़का जागीर सिंह, ये तीनों तो इसमें चल रहे हैं, और मोहन सिंह और दलीप सिंह का एक तीसरा भाई था जिसकी मौत हो चुकी है 1947 में, जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेज हुई थी ना पार्टीशन के वक्त, उस ज़माने में इनकी मौत हो गई थी। तो उस टाइम पे जो ये लोग, तो तारा सिंह मर चुके हैं, तो तारा सिंह की जो वाइफ थी तेज कौर थी, तो तेज कौर किसकी बेटी है, गुरदीप सिंह की बेटी है, ध्यान रखना, ये आगे याद आएगा, क्योंकि गुरदीप सिंह की इस केस के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो व्यक्ति मरा है जिसकी वजह से इन लोगों पे 302 का चार्ज चल रहा है, उस व्यक्ति का नाम है गुरदीप सिंह।
तो गुरदीप सिंह की मौत हो जाती है। गुरदीप सिंह को मारा गया किसके द्वारा, इन्हीं मोहन जागीर और दिलीप सिंह के द्वारा गुरदीप सिंह को मारा गया। तो जब तारा सिंह जो तीसरा भाई है मोहन और दिलीप का, उसकी मौत होने के बाद तेज कौर अपना इधर वेस्ट पाकिस्तान से शिफ्ट होकर ईस्ट पंजाब की साइड आ जाती है और मलसियान में उनको एक ज़मीन ले लेती हैं। अब हो क्या जाता है कि तारा सिंह के मरने के बाद तेज कौर अपना अपने फादर गुरदीप सिंह के साथ घंडियाला में रहना शुरू कर देती हैं। तो तेज कौर अपना जो पति का जो घर है, गांव है, वो छोड़ के जा चुकी है। तो दिलीप सिंह और मोहन सिंह जो दो भाई हैं ना तारा सिंह के, तो उन दोनों ने अपना उसका जो ज़मीन का पोजीशन है वो ले लिया और एक पत्ता जो पत्ता साइन करवाते हैं, जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट साइन करके जो भी उनका बनता था, मतलब जो तेज कौर के हिस्से का पैसा बनता था ना, उसको बोला कि हम तेरे को पर मंथ एक एरियर, मतलब मंथली एक एन्युटी की फॉर्म में पैसा देते रहेंगे। चलिए जी, तो अब जो तीसरा भाई तारा सिंह है उसकी ज़मीन किसके काबू में आ गई है, किसके पोजीशन में, मोहन सिंह और दिलीप सिंह, क्योंकि तीन भाई थे मोहन, दिलीप और तारा। तारा मर चुका है, तारा की बीवी है तेज कौर और तेज कौर का फादर है गुरदीप सिंह, जिसको मारा गया है इस वाले केस के अंदर। तो अब मोहन और दिलीप सिंह ने पैसा देना बंद कर दिया, जो एरियर था उस प्रॉपर्टी को तो हड़प लिया तेज कौर का, जो हड़प तेज कौर के पति मतलब जो तारा सिंह के नाम की प्रॉपर्टी थी उसको तो हड़प लिया दोनों भाइयों ने। ये दोनों भाई उस तारा सिंह के भी भाई थे, मगर अब इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। तो पैसा देना बंद किया तो तेज कौर के पास ऑप्शन नहीं था, तो उसने एविक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई किया, वो जीत गई। अब एविक्शन ऑर्डर के अप्लाई किया, जीत गए, इन्होंने अपील किया, ये किसने, मोहन सिंह और दिलीप सिंह ने, लोग हार गए। तो अभी लोग हार गए तो उसके बाद फिर गुरदीप सिंह जो तारा इसके तेज कौर के फादर हैं, तो क्योंकि अब तेज कौर अपने फादर के साथ रहती, तेज कौर के पति तारा सिंह की तो मौत हो चुकी है, तो गुरदीप सिंह ने बोला कि भाई चलो हम पोजेशन लेने चलते हैं। तो गुरदीप सिंह पटवारी के पास गए और पटवारी के पास जाके इन्होंने पोजेशन की बात करी कि भाई हमें उस ज़मीन पे जाके पोजेशन लेनी है। तो पटवारी एक कनुंगो, ठीक है, जो पोजेशन दिलवाएगा, और ये दोनों लेके शाम में, मतलब कौन कौन गया साथ में, गुरदीप सिंह का एक कज़न है हरनाम सिंह, दो लोग, ठीक है, ये दोनों गए, पटवारी गया और कनुंगो गए, ये लोग गए पोजेशन लेने के। तो पोजेशन इन्होंने ले ली, तो वहीं पे दूर से ना इन्होंने वहाँ पे एक पेड़ था, वहाँ से निकलते हुए वेपन के साथ दो तीन लोगों को आते हुए देखा इन पे अटैक करने के लिए। तो वो दो तीन लोग जो इन पे आए, तो उन्होंने इस पे अटैक किया, उसमें जो दिलीप सिंह था जिसके ऊपर कन्विक्शन हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने उसको भी 302 के अंदर डाला, दिलीप सिंह मोहन सिंह भाई हैं सगे, ठीक है, दिलीप सिंह ने हेड पे मारा, ठीक है, जोर से इंजरी हेड पे मारा हरनाम सिंह के, और दूसरे जो गुरदीप सिंह, हरनाम सिंह मरा नहीं, हालांकि गुरदीप और हरनाम चचेरे भाई हैं, ध्यान रखना, ठीक है, गुरदीप इज़ द फादर ऑफ तेज कौर। तो गुरदीप के सर पे जोर से मारा और जिसकी वजह से गुरदीप मर गया और हरनाम सिंह रिकवर हो गया, हरनाम सिंह को चोटें आई मगर हरनाम सिंह मरा नहीं इस केस के अंदर। तो अब उसके बाद ये लोग भाग गए। तो भागने के बाद जब इनको पकड़ा गया, तो किन किन लोगों को पकड़ा गया, मोहन सिंह को, जागीर सिंह को, दिलीप सिंह को और दो लोगों को पकड़ा गया। तो जब इन दो लोगों को पकड़ा गया तो उसके बाद एविडेंसेज हुए, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो एविडेंस के अंदर हुआ कुछ यूँ कि इन लोगों के ऊपर सेक्शन 148 बना, 302 बना, 149 बना, 323 बना, उसके बाद आपका दिलीप सिंह के ऊपर 302 बना मर्डर का चार्ज, 147 बना अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग, जो डेडली वेपन्स के रिगार्डिंग था वो वाला ऑफेंस इन पे बना, और बाकी जो दो भाई थे, दो प्यारा सिंह थे, दो बच्चे थे, तो उनको छोड़ दिया गया। तो अब हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपील करी, तो हाई कोर्ट में भी इनके कन्विक्शन को अफर्म कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट का कन्विक्शन था उसको अफर्म कर दिया हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को। तो अब सवाल यहाँ पे आया कि भैया जब तीन लोग हो गए हैं तो 149 का तो ऑफेंस ही नहीं बनता, जब तीन लोग हो जाने के बाद तो 149 आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि 149 के लिए अनलॉफुल असेंबली चाहिए और अनलॉफुल असेंबली में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कम से कम अनलॉफुल असेंबली में 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है इस केस में। तो यहाँ पे अब दो तीन जजमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, दो तीन जजमेंट रेफर करी गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे। सबसे पहली जजमेंट जो यहाँ पे रेफर करी गई वो दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब दिलीप सिंह में हुआ क्या ज़रा वो समझिए। दिलीप सिंह के जजमेंट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 149 तभी अप्लाई होता है जब कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो कि कम से कम 5 लोग, मिनिमम 5 लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं, और उस केस के अंदर हम जो प्रोसिक्यूशन होगा सेक्शन 149 का हम तभी इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मगर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि 5 लोगों का कन्विक्शन होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये इस्टेब्लिश करना है कि जिस टाइम पे वो क्राइम किया गया है, जिस टाइम पे वो एक्शन किया गया, वहाँ पे 5 लोगों की उपस्थिति थी, 5 को सज़ा मिली, 5 को कन्विक्शन हुआ, ये ज़रूरी नहीं है। अगर जज ये कंक्लूड कर पाता है कि भैया 5 लोग तो अनक्वेश्चनेबली प्रेजेंट थे उस जगह पे, दिलीप सिंह के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, अब मोहन सिंह से मैंने दिलीप सिंह के जजमेंट पे आ गया हूँ, दिलीप सिंह के जजमेंट का इस्तेमाल मोहन सिंह के जजमेंट में किया गया है,
तो अगर जज को लगता है कि पांच लोग वहां पे अनक्वेश्चनेबली प्रेजेंट थे और कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर करते थे, हालांकि उनकी आइडेंटिटी अगर डाउट में भी है कि वो पांच लोग कौन है, मान लीजिए तीन का पता चल चुका है कि तीन कौन है, तीन तो भाई मोहन ए बी सी और तीन बंदे हैं और बाकी दो बंदों का हमें अभी पता नहीं है कि वो कौन थे, मगर ये जरूर पता है जज को कि पांच लोग वहां पे थे, तो लॉ वहां पे ये चीज कहेगा कि वो चीज कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल करेगी और वहां पे 149 का जो प्रोसिक्यूशन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। मगर अब सवाल आता है कि क्या कन्विक्शन पांचों का होना चाहिए, तो दलीप सिंह के अंदर ही, दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो मैं रेफर कर रहा हूं यहां पे, जो मोहन सिंह के अंदर इस्तेमाल हुआ है जजमेंट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कन्विक्शन पांचों का होना जरूरी नहीं है। अगर आप तीन का कन्विक्शन भी करते हैं मगर ये एस्टैब्लिश एविडेंस के थ्रू कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अनलॉफुल असेंबली करते वक्त या फिर किसी भी क्राइम को जो 141 में मेंशन है अनलॉफुल असेंबली का, वहां पे पांच लोगों की मौजूदगी थी, तो वहां पे वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। मगर दूसरी चीज, लॉ ने यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि अब इसमें मतलब ये जो पर्टिकुलर दलीप सिंह है, दलीप सिंह के अंदर ही हुआ कुछ यूं कि देखिए पांच या पांच से ज्यादा लोग उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, मतलब मौजूद थे या नहीं ये कोर्ट प्रूव नहीं कर पाया, मतलब आई मीन टू से कि उस पर्टिकुलर साइट पे, उस जगह पे, दलीप सिंह के अंदर बता रहा हूँ, पांच या पांच से ज़्यादा लोग मौजूद थे या नहीं थे ये चीज़ कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई, जिसकी वजह से दलीप सिंह के केस में सेक्शन 149 इनएप्लीकेबल हो गया। तो इस तरीके से हम समझ लीजिए कि सेक्शन 149 के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, दलीप सिंह वाला जो प्रॉब्लम है, वो सेम मोहन सिंह के अंदर हमें देखने को मिली। अब एक दूसरा केस बताता हूँ, एक केस है भारवाड़ मेपादाना वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, भारवाड़ मेपादाना वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें हुआ क्या कि कोर्ट ना 12 नेम्ड पर्सन के, मतलब 12 लोग थे जिन पे अनलॉफुल असेंबली, जिन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट से एक मर्डर किया तीन लोगों का, ठीक है, 12 लोग इकट्ठे हो गए, तीन लोगों को मारने गए, अनलॉफुल असेंबली है तो 149 का चार्ज बना, तो ट्रायल कोर्ट ने उसमें से सात लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, 149 का चार्ज उन पे नहीं बनाया और सात लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, बस पांच लोगों को कन्विक्ट किया। और हाई कोर्ट में जब वो गए, अब कितने बचे हैं, पांच लोग बचे हैं 149 के लिए, सात तो छूट गए ट्रायल कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में केस गया, तो मैं कौन सा केस बता रहा हूँ, भारवाड़ मेपादाना वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस जजमेंट को भी रेफर किया गया, कहाँ पे, मोहन सिंह के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर जब हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट के अंदर भी एक व्यक्ति को 149 के चार्ज से हटा दिया गया। अब सवाल आया कि सिर्फ चार लोग बच गए, तो मैंने आपको क्या बोला, अनलॉफुल असेंबली तो पांच या पांच से ज्यादा लोगों की बनती है, तो अगर जब जहां पे चार लोग ही बचे हैं तो क्या उस केस में हम ये कहेंगे कि 149 एस्टैब्लिश होगा या नहीं होगा। तो यहां पे कोर्ट ने ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने भारवाड़ मेपादाना के जजमेंट के अंदर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट का एक रिमार्क था वहाँ पे कि देखिए भले ही चार लोगों पे कन्विक्शन हो बट वो जो ऑफेंस था वो इस्टेब्लिश हो चुका था कि उसके अंदर 10 से 13 लोग कम से कम थे जहां पे मारा गया, जो तीन लोगों को मारा गया था ना भारवाड़ मेपादाना में, वहां पे ये एस्टैब्लिश जरूर हुआ कि 10 से 13 लोग थे, चार आइडेंटिफाइड थे, ध्यान रखना चार आइडेंटिफाइड थे मगर 10 से 13 लोगों की एग्जिस्टेंस थी यहां पे भारवाड़ मेपादाना में, ये चीज प्रूव हो गई। तो लॉ ने बोला कि अगर आइडेंटिफाइड हैं, चार लोग आइडेंटिफाइड हैं और बाकी सात आठ नौ लोगों के बारे में हमें ये पता है, अभी वो अनआइडेंटिफाइड है सात आठ नौ लोग, लेकिन हमें ये पता है कि वो लोग भी थे, कौन है वो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे सेक्शन 149 का प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ने क्या बोला कि अगर अनआइडेंटिफाइड हैं और ये श्योर है कि पाँच या पाँच से ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दो लोगों को भी 149 में आप कन्विक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, अब हम अगली जजमेंट पे आते हैं, अगली जजमेंट है करतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले डाउन हुआ, यही जजमेंट का रेफरेंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कहाँ पे, अभी आगे हम अपने इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब करतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे नंबर ऑफ असेलेंट, जिन पे इल्ज़ाम लगाओ जिन्होंने मारा है या जिन्होंने अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करी है, वो डेफिनेट है, श्योर है, उन सबों का नाम है, और तब ये प्रूव हो जाता है कि वो पाँच से कम है, तब आप उन पे अनलॉफुल असेंबली का जो 149 का कॉमन ऑब्जेक्ट वाला चार्ज है वो नहीं बना पाएंगे। मतलब कि आपने कोर्ट में ये कह दिया कि भाई साहब पाँच लोग से कम हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है और अनआइडेंटिफाइड भी कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप 149 का चार्ज नहीं बना पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सिंह के जजमेंट में अब क्या कहा, मैं ज़रा वो बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट मोहन सिंह के जजमेंट में कहती है कि देखिए 149 का चार्ज तो यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मिनिमम पांच लोग फिक्स थे, पांच लोगों का कन्फर्म था
कि ये पांच लोग हैं और पांच से ज्यादा कभी थे नहीं, तो अनआइडेंटिफाइड का तो मोहन सिंह के केस में पंगा ही नहीं था। अब पांच में से दो छूट गए, पॉइंट समझ रहे हो, तो इसका मतलब वो दो पे 149 बना नहीं, तो बचे कितने, तीन बचे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 149 का जो चार्ज था मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में रिमूव कर दिया, क्योंकि वहां पे अगर अनआइडेंटिफाइड लोग ही नहीं है तो हम कैसे कन्विक्ट करें, क्योंकि टोटल पांच ही थे और पांच में से दो छूट गए, तो इसीलिए मोहन सिंह में 149 का चार्ज नहीं बना। मगर मोहन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 के चार्ज को बनाए रखा और बोला कि भैया यहाँ पे जो मोहन सिंह, दलीप सिंह, जागीर सिंह है, इनकी पहले से कॉमन इंटेंशन थी, देवर हैविंग द प्रायर कॉन्सर्ट टू डू द क्राइम, देवर इंटेंडेड टू डू द क्राइम, देवर इंटेंडेड टू किल गुरदीप सिंह और इवन हरनाम सिंह को फॉर दैट मैटर वो मारना चाहते थे, तो वहां पे सेक्शन 34 एस्टैब्लिश हो गया और 302 का चार्ज तो ऑलरेडी था। तो इस केस में फाइनल जो 149 के कॉन्टेक्स्ट में बात आपको जाननी है कि यहाँ पे 149 को सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया, 149 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो आई होप आपको ये जजमेंट का आइडिया लग गया होगा, मैंने इतनी सारी जजमेंट आपके साथ यहाँ पे रेफर कर दी, साथ के साथ मोहन सिंह, करतार सिंह वाला, भारवाड़, मेपादाना मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो थैंक यू सो मच गाइज।